महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने 65 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जिस एक सीट की चर्चा हो रही है वो है ठाणे की कोपरी पंच पाखड़ी सीट। उद्धव ने यहां से आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को सीएम शिंदे के खिलाफ मैदान में उतारा है। आनंद दिघे को शिंदे का राजनीतिक गुरु माना जाता रहा है। टिकट जारी करते हुए शिवसेना ने लिखा था, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और आदरणीय आनंद दिघे साहब के आशीर्वाद से शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है। आनंद दिघे के मार्गदर्शन में एकनाथ शिंदे ने अविभाजित शिवसेना में अपने राजनीतिक पकड़ को मजबूत की थी। शिवसेना के शुरुआती नेताओं में आनंद दिघे कद्दावर नेताओं में से एक थे। बाल ठाकरे ने उन्हें ठाणे में पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा और उसमें वो कामयाब हुए। अब दिघे के रिश्तेदार को सीएम शिंदे के खिलाफ मैदान में उतार उद्धव ठाकरे ने बड़ा दाव चला है। केदार दिघे को उद्धव ने क्यों उतारा ये जानने के लिए सबसे पहले आपको आनंद दिघे को जानना होगा। दिघे को ठाणे का बाल ठाकरे कहा जाता था, साथ ही वो शिंदे के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। आनंद दिघे की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जिसके लिए कहा जाता है कि ये हादसा नहीं साजिश थी। हालांकि इसका खुलासा आज तक नहीं हो सका कि आनंद दिघे की मौत प्राकृतिक थी या नहीं। ठाणे शहर में टेम्भी नाका इलाके में 27 जनवरी 1952 को पैदा हुए आनंद चिंतामणि दिघे दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से प्रभावित होकर शिवसेना से जुड़े थे। हिंदुत्व और मराठी अस्मिता को लेकर आगे बढ़ने वाले दिघे ने 80 के दशक में मात्र 18 साल की उम्र में सियासत में कदम रखा था और 1984 में शिवसेना के ठाणे जिलाध्यक्ष बने थे। साल 2001 के अगस्त महीने में वंदना एसटी बस डिपो के करीब कार एक्सीडेंट में वो घायल हो गए थे। इलाज के दौरान 26 अगस्त 2001 को 50 की उम्र में उनकी मौत हो गई, जिस पर शिव सैनिकों ने जमकर बवाल काटा था। कहते हैं आज भी वो अस्पताल चालू नहीं हो पाया जिसमें उनकी मौत हुई थी। पंचपाखड़ी सीट से शिंदे साल 2009 से जीतते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केदार दिघे यूपीटी ठाणे के अध्यक्ष हैं। उनको टिकट देने का मतलब है आनंद दिघे की विरासत को शिंदे के खिलाफ खड़ा करना। ऐसे में अगर केदार दिघे सीएम शिंदे को हरा देते हैं तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि फिर से ठाणे उद्धव कैंप का गढ़ बन जाएगा। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।